हाय गाइस, वेलकम बैक टू ज़ाहिरा व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही टेस्टी एंड क्रिस्पी जलेबी। इसे बनाने के लिए ज्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं लगेंगे, जो घर में अवेलेबल है उसी से हम जलेबी बनाएंगे। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। चलिए शुरू करते हैं। जलेबी के बैटर के लिए हमें चाहिए मैदा, कर्ड, फूड कलर एंड वाटर। सबसे पहले लेंगे एक बाउल और ऐड करेंगे 2 कप्स ऑफ मैदा, 1 कप ऑफ कर्ड। इसे मिक्स करेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और अच्छे से इसे विस्क कर लेंगे। अब इसके अंदर जाएगा फूड कलर। इसे हमें अच्छे से बीट करना है। आप चाहे तो फॉक, हैंड या बीटर से करें, मैं विस्क से कर रही हूँ। बैटर की थिकनेस इस तरह होनी चाहिए। अब इसे हम आधे घंटे के लिए रेस्ट होने रख देंगे। तैयार कर लेते हैं चाशनी। सबसे पहले कढ़ाई में ऐड करेंगे 2 कप्स ऑफ शुगर और इसके अंदर जाएगी 1 कप ऑफ वाटर। इसे मिक्स कर लेंगे। साथ ही इसके अंदर जाएगी इलायची एंड अब हाई फ्लेम पे चीनी को मेल्ट होने देंगे। स्क्वीज करेंगे लेमन। ये इसलिए क्योंकि इतनी गाढ़ी जो हमने चाशनी बनाई है तो क्रिस्टलाइजेशन ना हो जाए। जब दोनों फिंगर्स आपस में चिपकने लगे तो मतलब चाशनी तैयार है। एंड में इसके अंदर 1 टीस्पून ऑफ घी ऐड करेंगे अच्छी खुशबू के लिए। 30 मिनट हो चुके हैं और जलेबी का बैटर हो गया है सेट। सो ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून ऑफ बेकिंग सोडा और इसे मिक्स कर लेंगे। अब एक ग्लास लेंगे और उसे कवर करेंगे विद अ क्लीन प्लास्टिक पैकेट। अगर आपके पास पाइपिंग बैग है तो इससे जलेबी की शेप और भी अच्छी बनेगी, बट लॉकडाउन की वजह से मैं वो नहीं ले सकी। अब जलेबी का बैटर हम इसमें डाल देंगे। इस तरह रोल करके कॉर्नर पे सीजर से छोटा सा कट लगा लेंगे। अब एक पैन में ऐड करेंगे रिफाइंड ऑयल और जब ये गर्म हो जाए तो इसमें मैं 3-4 टीस्पून ऑफ घी डाल दूंगी ताकि फ्लेवर अच्छा सा आ जाए। फ्लेम हम मीडियम पे रखेंगे और अब इसे डालकर फ्राई कर लेंगे। जलेबी तो जलेबी है, वो सीधी तो है नहीं, तो अब आप अपनी मर्जी से जो भी शेप बनाना चाहें वो बनाएं, सब अच्छी ही लगेगी। इसी तरह हम शेप देते जाएंगे। अब हम जलेबी के साइड्स टर्न कर लेंगे। डार्क बहुत ही ज्यादा नहीं करनी है, बट क्रिस्पी होनी चाहिए। सो ये फ्राई हो चुके हैं और इसे हम चाशनी में डाल देंगे जिसका फ्लेम मैंने लो रखा है। जलेबियों को हम 5 मिनटों के लिए चाशनी में रखेंगे। 5 मिनट हो चुके हैं और इसे हम गर्मा गर्म प्लेट में सर्व कर लेंगे। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल बाजार जैसी क्रिस्पी एंड टेस्टी लग रही हैं। तो बहुत ही मजे का गर्मा गर्म जलेबी तैयार है। आप इसे रबड़ी या गर्मा गर्म दूध के साथ भी सर्व करें। तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।